गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस जैसे कि आज मैंने सुबह को मैंने बोला था कि जब मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था तभी जो है मेरा गैस सिलेंडर पूरा खत्म हो चुका है दोस्तों। तो लंच के लिए जो है मैं खाया था दोस्तों, एक्चुअली सुबह को ब्रेकफास्ट बनाते समय थोड़ा सा बचे हुए थे तो उसको मैंने लंच किया था। एंड अभी जो डिनर का टाइम हो चुका है तो डिनर के लिए जो है सुभाष के घर में जाना होगा, क्योंकि शाम को जो है मैं और सुभाष गए थे गुना नगर में, तो वहाँ से जो है कुछ मछलियाँ मिले थे, लोकल मछली लाए थे वहाँ से, आधे रास्ते में मिले थे तो हम लोग मैं और सुभाष जो है दोनों मिलकर लाए थे आधा किलो लोकल मछली। तो आज सुभाष के घर में आज डिनर होगा मेरा एंड तो अभी मैं जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ दोस्तों। सो गाइस मैं जल्दी से जाके डिनर करके आता हूँ एंड शायद जाके जो है मैं खुद बनाऊंगा वहाँ पे जाके एंड देखते रहना, बस मछली और कुछ सब्जियाँ हो सकता है और दूसरा सब्जी नहीं होगा तो बस मछली ही हम लोग खाएंगे सुभाष और मैं। एंड जल्दी से डिनर करके मैं फिर से और लाइव में आऊँगा, आज रात 8 बजे को आऊँगा लाइव में, तो आप लोग देखते रहना। सो गाइस मिलते हैं। एक्चुअली गाइस यहाँ पे हमारे यहाँ पे गांव में ना बहुत ही जल्दी जो है डिनर करके सो जाते हैं आदमी लोग, तो हम लोग जो है दोस्तों यही रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं गांव पे। तो क्या करें दोस्तों, सिटी टाउन में तो वहाँ पे थोड़ा देर में जो है सोते हैं और देर वहाँ पे डिनर करते हैं सिटी टाउन में, और लेकिन सुबह पता नहीं कब उठते हैं। तो कोई नहीं दोस्तों, हम लोग तो गाँव के लोग हैं तो गाँव का रूल तो फॉलो करना ही होगा। तो चलिए जाते हैं। सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ सुभाष के घर में, और सुभाष ओ सुभाष क्या कर रहा है? ठीक है मैं आ चुका हूँ। अयो गाइस ये रहा सुभाष। हेलो। तो अंकल लोग अभी तक नहीं आए? नहीं आया। कब आएंगे? ओ जब हार्वेस्टिंग टाइम समाप्त होगा तब भी आएगा। तो दान भी लाना पड़ेगा ना उधर से। ठीक है पानी की से। तो आज तो सिर्फ अकेला आप है ना। तो खाना वगैरह देने के लिए तैयार करते हैं। चलो हाँ हम बनाएगा आज। ठीक है मैं बनाऊंगा खाना ही, आपका बनाया हुआ है खाऊंगा मैं। बहुत स्वादिष्ट बनाता है ना। होगा होगा आज जो मछली लाया ना वही बनाएंगे। ठीक है होगा। चलिए तो चलो सबसे पहले आग जलाना है। आग भी अभी तक जलाया नहीं। तो क्या मैं जलाऊंगा, कोई चिंता नहीं। तो आइए देखते हैं क्या क्या सब्जियां मिलाते हैं। एक्चुअली जो है हमारे पास जो है वो लाल वाला गुटी भी है जो कट्टे होते हैं ना वो भी है हमारे पास, तो उसको जरूर डालेंगे मछली में। एक बार जरूर दोस्तों टेस्ट कीजिएगा मछली के साथ जो कट्टे वाला होता है ना वो लाल लाल होके, हम लोग इसको आमिले गुलो कहते हैं। पिछले वीडियो में जो नहीं देखा है मेरा वीडियो वो आप लोग जरूर देखें, जो मैंने जो मम्मी के साथ जो तोड़ा था ना सब्जियाँ वहाँ पे देख सकती है। वो कट्टे वाला जो गुटी होता है ना बहुत ही टेस्टी होता है गाइस। तो कोई नहीं दोस्तों बातें सुनो अभी काम में लग जाती है। सो गाइस ये रहा मछली। तो सुभाष ने पूरा सफाई करके रखे है देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल लोकल मछली जो नदी में मिलने वाला। तो गाइस ये जो है अभी हम लोग इसको अपने लोकल तरीके से बना के खाएंगे, बिल्कुल लोकल तरीके से एकदम जो है बॉयल खाएंगे। एक्चुअली फ्राई बहुत खा चुके हैं तो आज हम लोग बॉयल खाएंगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मछली और जो है पूरा ये कट्टा वाला जो होता है ना ये एक प्रकार की सब्जी होती है, तो इसके साथ मैंने मिलाया। तो कट्टे वाला कट्टे के साथ जो है मछली को मिलाने से जो है बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों इसका सूप। तो मैंने इसको जो है सूप बना के आज डिनर में खाएंगे। वाह ये देख सकते हैं ये पूरा जब ये बॉयल हो जाएगा ना एकदम लाल होकर इसका जूल निकलेगा इसका सूप, तो काफ़ी मज़ा आता है। और भी इसमें कुछ मसाला और डालना होगा इसमें। बढ़िया से जो है अभी पक रहे हैं तो थोड़ी देर बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जूल डालूँगा। ये देखिए गाइस पूरा लाल हो चुका है जूल, जो इसका सूप है ना बिल्कुल लाल हो चुका है एंड बहुत ही टेस्टी होते हैं। सो गाइस अभी ये हो चुका है बनके तैयार, देख सकते हैं मछली बिल्कुल देसी लोकल हम लोग जो है दोस्तों इस तरह बना के खाते हैं। तो अभी गाइस हम लोग भी डिनर कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ से मछली। तो आज बस यही सब्जी है दोस्तों और कुछ नहीं, तो इन सब्जियों से हो जाएगा। जूल ले लेता हूँ थोड़ा एक दो चम्मच हो गया। सो गाइस मेरा डिनर तो हो चुका है खा पी के एंड अभी जो है सुभाष थोड़ा सा लेट में पहुँच चुका है, ये देख सकते हैं। ये देखिए गाइस ठीक है सुभाष तुम खाइए, इतना जल्दबाजी भी नहीं है। मस्त जोक मारा। एंड गाइस अभी जो है बहुत टाइम हो चुका है डिनर करके एंड हम लोग जो है बहुत ही बातचीत किए थे। तो गाइस अभी मैं जो है जाके फिर से लाइव में आऊँगा यूट्यूब लाइव में। तो गाइस मैं भी जाता हूँ सुभाष। थैंक यू हाँ डिनर के लिए। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट। ओके सबको ऑडियंस को सर का ऑडियंस को गुड नाइट। गुड नाइट गाइस जल्दी से जल्दी जाके तैयार होके लाइव में भी आना है यूट्यूब लाइव में।
गुड मॉर्निंग गाइस, एंड कल का ब्लॉग आज जो है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड कल जो है थोड़ा छोटा हो गया था ब्लॉग, जो है मैं रात को बनाए थे सुभाष के घर में डिनर किए थे। एंड अभी जो है मैं घर जा रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली हमारे घर में कोई भी है नहीं, अभी सभी लोग जो है खेत में गए हैं। एक्चुअली पापा भी गए थे खेत पे, तो अभी जो है घर पे कोई भी है नहीं। तो पापा ने मुझे कॉल करके कहा कि दो बैल है हमारे पास, उनको जो है घास चराना है, एंड दोपहर को जो है उसको उन दोनों को पानी भी पिलाना है। दो बैल है हमारे पास, उनको छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, तो उनको जो है पानी या ग्रास भी मतलब पिलाना है। काम पूरा धूमधाम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि धान भी पक चुके हैं, तो सभी लोग जो है अभी खेत में गए हमारे परिवार लोग, तो अकेला जो है अभी घर है। सो गाइस मैं जाता हूँ और वहाँ से मैं लंच करके आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो है गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे में जो है अच्छा हो गया दोस्तों, मैं अभी घर जा रहा हूँ, तो लंच करके ही आऊँगा। सो गाइस ये रहा हमारे छोटे छोटे बैल, यहाँ पे एक है और वहाँ पे एक है। तो अभी इन दोनों को जो है मैं एक जहाँ पे जो है घास ज़्यादा है वहीं पे बांध दूंगा, क्योंकि ऐसे अगर इन लोगों को शोर देगा तो चारों और खेत है, तो खेत में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ना, दूसरे के खेत में जाएंगे तो इसलिए इसे बांध के रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो है एक खोटा जो है घर दिया है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा हाँ, ये भी ट्रक ग्रास से ज़्यादा इसमें बांध देगा। इसको तो चेंज कर दिया दोस्तों, एंड अभी जो है रेड वाला को बाकी है, तो इसको भी चेंज करना है दूसरी लोकेशन में, जहाँ पे ग्रास जो है दोस्तों वहीं पे बांध देना है। और पापा जो है वो खेत भी गए हैं, एंड इसको कहाँ में बांध देगा। अरे ये देखो डर गया, देखो ना राइस कितना प्यारा है ना, लेकिन बहुत प्यारा है। मैंने नमक लाने में भूल गया था, इसको नमक देना चाहिए, कितना प्यारा है, नमक खाते हैं ना बहुत ज़्यादा। बैल को जो है मैंने दोनों बैल को जो है छोटे छोटे बैल को मैंने घास में सरा दिया, चेंज कर दिया। एंड पापा जो है शाम तक लौटेंगे, सो अभी जो है लंच के लिए दोस्तों मैं घर से ही लंच करके जाऊँगा, तो लंच के लिए कुछ सब्जियाँ चाहिए। तो सब्जी जो मैं अभी खेत में जाऊँगा उसमें साग वगैरह जो है जो भी मिलेगा तोड़ के लेके आऊँगा। तो चलिए मैं जाता हूँ अपने खेत पर। और ये देखिए इतना प्यार से खा रही है ना घास, इतना बदमाश है। लेकिन ये देखिए गाइस कितना ताज़ा ताज़ा साग इसमें, तो यहाँ से जो है मैं अभी तोड़ के लेके जाऊँगा। एंड हमारे सरसों की खेत देखिए गाइस, ये देखिए गाइस बहुत ही सुंदर है ना सरसों, अभी फूल जो है पूरा निकल आए हैं, तो वो जो है जनवरी तक सॉरी दिसंबर लास्ट तक काटने के लिए हो जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से अभी साग तोड़ लेता हूँ अपने लंच के लिए। ब्रेकफास्ट तो नहीं किया दोस्तों, मैं बस लंच ही करके जाऊँगा, डायरेक्ट लंच करेगा। सो हम यहाँ से तोड़ लेते हैं गाइस, एकदम बड़े बड़े वाला, एकदम बड़े बड़े वाले को तोड़ेगा, जो जो बड़ा बड़ा है उसको ही तोड़ लेगा। यहाँ पे भी बहुत बड़ा बड़ा है, ये तो सरसों का साग भी है, यहाँ पे देख सकती हैं ये सरसों का साग, इसको भी तोड़ लिया मैंने। लाइफाटा और ये सरसों के साग को एक साथ में मिला के बना के खाऊंगा। ये देखिए, सो साग तो हो गया गाइस। एंड अभी जो है हमारे पास आलू भी है, जो नया नया निकल आए हैं आलू। साग तो तोड़ लिया, बीन्स और आलू तो घर पे हैं ऑलरेडी, तो बस इन सब्जियों के साथ जो है मैं अपना लंच करूँगा। और हमारे सुपारी के बगीचे से पूरा ग्रास ढके हुए हैं, तो वहाँ पे दवाई दे दिया पापा ने, पर मर ही नहीं रहा है ना, लगता है दवाई जो है कम हो गया है।